कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने माली साल बराए 2010-11 के तरक्याती मंसूबों के लिए 663 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी है, जिसमें वफाकी PSDP का हजम 280 अरब रुपए और सूबाई PSDP का हजम 373 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। आइंदा माली साल के लिए शराय नमूद का हदफ 4.5% से बढ़ाकर 4.9% तक मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख का ये भी कहना है कि हुकूमत आइंदा माली साल के लिए पैदावारी हदफ 5.5%, खिदमात के शोबे में 4.7% और ज़रई शोबे में 3.8% मुकर्रर किया है। माशी माहरीन का ख्याल है कि मुल्की वसाइल में अगर इजाफा न हुआ तो माली मुश्किलात बरकरार रहेंगी। आवाम की भलाई के लिए तरक्याती मंसूबे शुरू करना एक अच्छा अमल तो है, लेकिन मजीद नए मंसूबे शुरू करने के बजाय हुकूमत जारी मंसूबों पर तवज्जो दे। तरक्याती बजट में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की वजह से जो कटौती की जा रही थी, अब इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। दूसरी जानिब वैल्यू एडिड टैक्स पर सूबे पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से तहफ़ुज़ात सामने आने के बाद इस हवाले से मुनक़िद होने वाली बैन-सूबाई कॉन्फ्रेंस नाकामी से दोचार हो चुकी है। बजट की तैयारी के लिए पाकिस्तान को आलमी मालियाती इदारों की जानिब से मिलने वाली मावनत पर इनहिसार करना पड़ रहा है, और ऐसे में इन इदारों की जानिब से जारी की जाने वाली शराइत बहुत अहमियत की हामिल है। वैल्यू एडिड टैक्स के नफाज की जमानत पर ही पाकिस्तान को IMF की जानिब से हाल ही में 5वीं किस्त भी जारी की गई थी। हुकूमत चाहती है कि वह हर हालत में वैल्यू एडिड टैक्स के नफाज के हवाले से आलमी मालियाती इदारों से किए जाने वाले वादे और यकीन दहानी को पूरा करे। यूं बजट से पहले इजलास दोबारा बुलवाने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान को तख़फ़ीफ़े गुरबत प्रोग्राम के तहत $30 करोड़ कर्जे की किस्त का मामला भी खटाई में पड़ सकता है। आलमी बैंक का इजलास 29 मई को वाशिंगटन में हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान को कर्जे की किस्त की मंजूरी दी जाएगी।